दशंधि सबुठारु बड़ सिनेमा केजीएफ टू दर्शकों समस्त उत्कंठा और आशा पूरण पुणी थरे बड़ परदारे धमाल करुछंती यश। 6000 रु अधिक हॉल रे रिलीज प्रथम दिन रे ही 50 कोटी रु अधिक बिजनेस। राजधानी रे केजीएफ क्रेज भुवनेश्वर रे राती 3टा रु लोके हाउसफुल शो को उपभोग करिछंती। सबुठ बड़ फिल्म बड़ आर बड़ धमाका सह रिलीज हो दशंधि बहु प्रतीक्षित सिनेमा केजीएफ टू। दमदार फाइट शानदार एक्शन हाई वोल्टेज डायलॉग जहां दर्शकों को बांधि रखिबारे सफल हो गत 3 वर्ष धरी यह अपेक्षा कर रही सारा देश देशर 4000 रु अधिक और सारा विश्व में 6000 रु अधिक स्क्रीन रे रिलीज हो सिंगल स्क्रीन हो अबा मल्टीप्लेक्स सबुठी हाउसफुल शो कर्णाटक तमिलनाडु आंध्रप्रदेश समेत उत्तर भारत रे फिल्म को मिली जबरदस्त रेस्पन्स। ओडिशा रे भी यार नाही नथिबा क्रेज राती 3टा रु फिल्म देखा दर्शकों प्रबल भिड़ लंबा लाइन रे लोके अपेक्षा करी केजीएफ टू देखी। केजीएफ टू को ओपनिंग डे रु मिली बड़ कलेक्शन प्रथम दिन 42 लक्ष रु अधिक टिकेट आगुआ बुकिंग एडवांस आय 50 कोटी रेकर्ड क्रॉस करी। खाली भारत में सीमित रहिनी केजीएफ क्रेज आमेरिका इंग्लैंड फ्रांस सिंगापुर भली देश में लोके केजीएफ दीवाना सेठी भी रविवार जाए सो हाउसफुल पान इंडिया नुआ सुपरस्टार यश जहां एंट्री को देखा लक्ष लक्ष फैन अपेक्षा करते खाली रॉकी भाई नुहे एथर चली अधीरा राज संजू बाबा रफ एंड टफ लुक समस्त प्रभावित करी। रवीना टंडन और प्रकाश राज को पावरफुल एक्टिंग सिनेमा को अधिक प्रभावशाली करी। 2018 केजीएफ भारतीय सिनेमा जगत में चहल सृष्टि करिथिला। कर्णाटक कोलार सुनाखणी उपरे आधिपत्य और एहाकु नेइथिबा पावर फाइट ही केजीएफ रो कहानी। केजीएफ चैप्टर 3 आसिबार सूचना मध्य आसी वास्तव में प्रथम चैप्टर देखिबा परे प्रशंसक माने वीडियो शेयर करिबा आरंभ करिथिले जहां स्पष्ट करुछि जे निर्माता वर्तमान केजीएफ चैप्टर 3 पई काम करुछंती। सेबे थारु केजीएफ चैप्टर 3 ट्विटर रे ट्रेंड करिबा आरंभ करिछि। केजीएफ रो प्रथम भाग 2018 रे मुक्ति लाभ करिथिला जहां दर्शकों द्वारा बहुत प्रशंसा पाइथिला। सही भली वर्तमान मध्यों केजीएफ 2 भल प्रतिक्रिया पाइबारे लागिछि। केजीएफ 3 रे अमेरिका इंडोनेशिया समेत 16टी देश रे अपराध रो कहानी देखाजिबो। वर्तमान केजीएफ 2 देखिबा परे प्रशंसक माने केजीएफ 3 को नै आग्रह प्रकाश करिछंती। फिल्म रे मुख्य भूमिका रे यश संजय दत्त रवीना टंडन श्रीनिवास सेट्टी नजर आसी छंती। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।